Hello friends, my name is Divya Srivastava and today in English literature we will start a new poem and the poem name is The Golden Keys and it's by Anonymous, right? So this is your poem. Firstly, I want to tell about Anonymous. Anonymous means होता है जब कोई आपका content होता है, ठीक है, हमें उसका writer, उसका poet हमें नहीं पता होता है. Anonymous को अगर हिंदी में बोले तो हम बोलते हैं अज्ञात या बेनाम, है ना. ये आपकी पोयम है, इसके राइटर हमें नहीं पता, इसके पोएट हमें नहीं पता. तो वी विल से कि दिस पोयम इज बाय एनोनिमस, राइट. गोल्डन कीज, द गोल्डन कीज मतलब होता है सोने की चाबियां या सुनहरी चाबियां. सो फर्स्टली आई वांट टू टेल अबाउट दिस पोयम. सो दिस पोयम ऑल अबाउट मैनर, यस, मैनर, एटिकेट, बिहेवियर, जैसे हम दूसरों के साथ बिहेव करते हैं. अगर मैनर, मैनर की डिफिनेशन की बात की जाए तो मैनर्स आर द वे इन विच समबडी बिहेव्स टू अदर्स, राइट. हम जिस तरह दूसरों से बिहेव करते हैं दैट इज मैनर्स. इफ यू आर वेल मैनर्ड, अगर आप बहुत ही अच्छे वेल मैनर्ड हैं तो अदर विल बी मोर कंफर्टेबल विथ यू, है ना. अदर विल बी प्रेज यू, दे विल एडमायर यू, राइट. एंड गुड मैनर्स इज ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ एंड अदर्स, है ना. आपको खुद को भी रिस्पेक्ट करना है और दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना है. तो इट्स ऑल अबाउट योर मैनर. एवरी डे हम जब किसी से कुछ कहते हैं, मैनर, मैनरफुल वर्ड कुछ होते हैं जो हम यूज करते हैं, तो दिस पोएम इज ऑल अबाउट मैनर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली आई विल रिसाइट दिस पोएम एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. अ बंच ऑफ गोल्डन कीज इज माइन टू मेक ईच डे विथ ग्लैडनेस शाइन. गुड मॉर्निंग, दैट्स द गोल्डन की दैट अनलॉक्स एवरी डे फॉर मी. When evening comes, good night I say and close the door of each glad day. When at the table, if you please, I take from off my bunch of keys. A bunch of golden keys is mine to make each day with gladness shine. Ek sunehri chabiyon ka guchha मेरा है. बंच मतलब होता है गुच्छा. एक सुनहरी चाबियों का गुच्छा मेरा है. टू मेक ईच डे, हर दिन को, प्रत्येक दिन को एक बहुत ही अच्छा. ग्लैडनेस मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशहाल, खुशी, है ना, खुशी पूर्वक चमकाने वाले दिन को बनाने के लिए हर एक सोने की चाबी का गुच्छा मेरा है. गुड मॉर्निंग, दैट्स द गोल्डन की. जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हम अपने किस गोल्डन की का यूज करेंगे, गुड मॉर्निंग का. दिस इज योर मैनर एंड दिस इज अ गोल्डन की दैट वी यूज एवरी मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, है ना, हम सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं और दैट्स अ गोल्डन की. ये एक सुनहरी कुंजी, एक सुनहरी चाबी है. दैट अनलॉक्स एवरी डे फॉर मी, जो प्रत्येक दिन को अनलॉक करता है. अनलॉक मतलब खोलना, ओपन करना, हर दिन को मेरे लिए खोलता है, अनलॉक करता है. When evening comes, good night I say. जब शाम आती है, जब रात आती है, हम क्या बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं. सोने से पहले हम क्या बोलते हैं, गुड नाइट. सो व्हेन इवनिंग कम्स, गुड नाइट आई से एंड क्लोज द डोर ऑफ ईच ग्लैड डे. और जो हमारा खुशहाल दिन है उसके दरवाजों को हम बंद करते हैं. When at the table, if you please, I take from off my bunch of keys. जब शाम आती है, रात होती है, तो हम अपने खुशहाल दिन के दरवाजे को बंद करते हैं और टेबल पे हम क्या करते हैं, if you please. जब हम, हमें टेबल पे किसी से कुछ चाहिए होता है तो हम क्या बोलते हैं, can you pass this, can you please, क्या आप इसको पास कर सकते हैं. तो हम क्या बोलते हैं, if you please. ये भी क्या है, this is also a golden key. I take from off my bunch of keys, जो मेरी सोने की चाबियों का गुच्छा है उसमें से मैं एक चाबी निकाल लेता हूँ. क्या कौन सी चाबी है, if you please. कहाँ पे, टेबल पे. वो टेबल कोई भी हो सकती है. आप रेस्टोरेंट में होते हो, डाइनिंग टेबल पे होते हो, आपको खाना पास करना होता है, प्लेट आपको चाहिए होती, तो आप कहते नहीं हो, if you please, could you please, right? आप अपने मीटिंग टेबल पे होते हो, किसी भी टेबल पे होते हो, जब आपको किसी से कुछ चाहिए होता है तो हम किस मैनर की का यूज करते हैं, किस गोल्डन की का यूज करते हैं, यस, इफ यू प्लीज का. तो इस की को मैं अपने बंच ऑफ कीज में से एक निकाल लेता हूँ, राइट. व्हेन फ्रेंड्स गिव एनीथिंग टू मी, आई यूज द लिटिल की, लिटिल थैंक यू की. एक्सक्यूज मी, बेग योर पार्डन टू
when by mistake some harm I do, or if unkindly harm I have given, with I am sorry, I shall be forgiven. On a golden ring, these keys I'll bind, make it my motto to be kind. I'll often use each golden key, and then a happy child I'll be. When friends give anything to me, I use the little thank you key. जब मेरे दोस्त मुझे कुछ भी देते हैं, anything मतलब कुछ भी, कोई भी वस्तु, जब दोस्त मुझे कोई भी वस्तु कुछ भी मुझे देते हैं, I use little thank you key. मैं छोटी सी एक thank you key का उपयोग करता हूँ, है ना. जब हमें कोई कुछ देता है, हमारे फ्रेंड्स दे या हमें कोई भी कुछ देता है, तो हम क्या बोलते हैं, थैंक यू. तो दिस इज अवर मैनर की, दिस इज अवर गोल्डन की, जिसको उपयोग मैं करता हूँ. एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिएगा या माफ कीजिएगा. बेग योर पार्डन, मुझे माफ कर दीजिए. पार्डन मतलब होता है एक्सक्यूज, माफी मांगना, मुझे माफ कर दीजिए. When by mistake some harm I do, जब गलती से मैं कुछ नुकसान कर बैठता हूँ, जब mistake मतलब गलती, जब गलती से some harm I do, मैं कुछ नुकसान करता हूँ, तो मैं excuse me, beg your pardon key का ये क्या है, golden key है ना, ये manner key है जिसका उपयोग मैं करता हूँ. और if unkindly harm I have given, with I am sorry I shall be forgiven. Unkindly मतलब होता है cruel, है ना. जब कोई बहुत ज्यादा क्रूर, बहुत कठोर हार्म मैं किसी को दे देता हूँ, है ना, जब मैं कुछ कठोर, कुछ बहुत बुरा कर देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, आई एम सॉरी आई शैल बी फॉरगिवन. विथ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी के साथ मुझे माफ कर दीजिए, इसके साथ मुझे माफ कर दिया जाता है या माफ कर दिया जाएगा, है ना. जब मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, ये बोल के मुझे माफ कर दिया जाएगा. On a golden ring, these keys I'll bind, make it my motto to be kind. एक golden ring पे, एक सुनहरी छल्ले पे, है ना, सुनहरी ring पे, these keys I'll bind. आपने देखा है keys किस पे bind होती है, एक ring होती है ना, घर में चाबियों का गुच्छा होता है ना, तो हम चाबी को किस में, एक ring में डालते हैं, right? तो ये जो हमारी manners की है, good morning वाली, good night वाली, thank you वाली, if you please वाली, है ना, एक्सक्यूज मी वाली, बेग योर पार्डन वाली, दीज आर अ गोल्डन कीज, है ना, मैनर्स की है. इनको मैं एक रिंग पे क्या कर दूंगा, बांध दूंगा. एंड मेक इट माई मोटो टू बी काइंड. मोटो मतलब होता है कोई एम, समथिंग दैट यू बिलीव इन, कोई आपका आदर्श कि मैं सबको मैनर, सबको रिस्पेक्ट करूंगा, ये आपका दैट कैन बी योर मोटो. और मेक इट माई मोटो टू बी काइंड, और दयालु होने का मैं एक मोटो बनाऊंगा, है ना, मेक इट माई मोटो, मैं उसको एक मोटो बनाऊंगा, आदर्श बनाऊंगा, टू बी काइंड. काइंड मतलब दयालु होना, ठीक है, दयालु होने का. आई ऑफन यूज ईच गोल्डन की, एंड देन आई हैप्पी चाइल्ड, अ हैप्पी चाइल्ड आई बी. मैं अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, मैं अक्सर इन गोल्डन की, इन सुनहरी चाबियों का इस्तेमाल करूंगा, एंड देन आई अ हैप्पी चाइल्ड आई विल बी, और तब जाके मैं एक खुशहाल बच्चा, ए हैप्पी चाइल्ड बनूंगा या रहूंगा, राइट. सो दिस पोयम इज कंप्लीटेड हियर. दिस ऑल अबाउट द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस पोयम इज दैट मैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, राइट. एवरी डे वी मीट समबडी, है ना, हम एवरी डे किसी ना किसी से मिलते हैं, तो हमारा मैनर्स क्या है, दैट वी बिहेव towards others, हमें दूसरों से कैसे बिहेव करना है, we should know, हमें पता होना चाहिए. ये हमारे जो हम दिन में किसी की शुरुआत किसी से करते हैं, day की starting, then we use good morning की, ठीक है, जब शाम होती है, at the end of the day, we use good night की, है ना, सोने से पहले. फिर हम, अगर हमें किसी से कुछ चाहिए होता है, तो हम क्या बोलते हैं, if you please, ये भी हमारी golden की है. When somebody, then somebody gives us, अगर हमें कोई कुछ देता है, then we use thank you की. अगर हमसे कोई गलती से कोई नुकसान हो जाता है, then we use excuse me, beg your pardon या I am sorry की. इन सारी जो manners की है, golden की है, इनको मैं क्या करूंगा, एक छल्ले में बांध दूंगा, और यही मेरे लाइफ का मोटो रहेगा और देश रहेगा, और इन चाबियों को मैं एवरी डे यूज करूंगा, और तब जाके मैं एक अच्छा बच्चा
रहूंगा। तो आपको भी यही करना है, आपको इन मैनर्स की को अपनी लाइफ में यूज करना है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज गोल्डन कीज एंड यू हैव टू यूज ईच गोल्डन की इन योर लाइफ, राइट। अल्टीमेट पर्पज ऑफ दिस पोयम इज कि मैनर्स आर इम्पोर्टेंट, यू हैव टू बी मैनरफुल, ठीक है। एंड दिस ऑल अबाउट टू बी रिस्पेक्टफुल, टू बी काइंड, टू मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स एंड कम ऑफ एज अ गुड पर्सन और अ गुड चाइल्ड। ओके, आई होप यू लर्न दिस पोयम एंड यू एंजॉय दिस पोयम। थैंक यू स्टूडेंट्स।